ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन अभी जारी है। आप सभी को जितनी भी पेंटिंग अपलोड की गई हैं उनको ध्यान से देखना है, और देखने के बाद आपको जो पेंटिंग अच्छी लगती हैं आप उनको लाइक बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पेंटिंग भी अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप एक से ज़्यादा पेंटिंग पर भी लाइक बटन पर क्लिक कर सकते हैं। डिसलाइक बटन पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइक पर जो आप क्लिक करेंगे वो एक वोट के बराबर माना जाएगा। डिसलाइक को यहाँ पर माइनस नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप लाइक बटन पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं लगती है तो फिर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। फिर जिसकी पेंटिंग को सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे उसकी पेंटिंग को 26 जनवरी पर प्रथम शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद इसी क्रम में द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को शील्ड मिलेंगे। और ये 12 जनवरी तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी तरह 12 जनवरी को फाइनल रिजल्ट हम अपलोड कर देंगे, उसमें जिन बच्चों का फर्स्ट सेकंड थर्ड पर नाम लिखा होगा उन्हीं बच्चों को 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा। 26 जनवरी को दोपहर 1 बजे से देशभक्ति गीतों और भक्ति गीतों पर सिंगिंग और डांस कंपटीशन होगा। दोपहर 1 बजे से आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। अपना अमूल्य समय निकाल कर आप 26 जनवरी को जरूर आएँ, उन वीर शहीदों को याद करने के लिए एक दिन आप उन शहीदों के लिए अपना समय जरूर निकालें और उनको याद करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित होंगे। हम उनकी याद में देशभक्ति गीतों और भक्ति गीतों पर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, और इसी कार्यक्रम के बीच में जो बच्चे पेंटिंग कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं उनको भी शील्ड और सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर नहीं आ पाएंगे उनके लिए भी सर्टिफिकेट मिलेंगे, और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आए उनको शील्ड और सर्टिफिकेट दोनों दिए जाएंगे। तो आप जरूर पेंटिंग को ध्यान से देखें और लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें जो अच्छी लगती है उस पेंटिंग के लिए।